ठीक है, अभी सुनो मेरी बात ध्यान। एवरेंट ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है सब यहाँ ध्यान दो, अभी ध्यान दो। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री आ गया मतलब फॉर्मूले इसका खेल है एवरेन। ओके, तो जरा ना एवरेन सब लोग इस पे फोकस करो, क्या है साइन 4x के साथ ही अपन सब कुछ करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, साइन 2a करके एक फॉर्मूला है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए वेरी गुड इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग कैसे सर? देखो अपने पास साइन 4x है, क्या है साइन 4x को अगर हमने ऐसा लिख दिया साइन 2 इंटू 2x, साइन 4x था ना, तो थिंक सीधे बैठो सीधे बैठो सीधे बैठो सीधे बैठो, साइन 4x को हमने लिखा 2 इंटू 2x, लिख सकते क्या ऐसा? अब इतना लिखने से अपने को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्या हो गया मालूम है? अब ये बन गया हमारा ए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे भैया हम लिख सकते 2 इंटू साइन 2x इंटू 2x, देख लो यहाँ पे जो ए है यहाँ पे कौन है 2x है, यही मेन खेल है। अगर ये खेल क्लिक हो गया ना तो हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला उठा के ऊपर डालेंगे, जैसे ये फॉर्मूला उठा के ऊपर डालेंगे हमको मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन नीचे कॉस 2x और यहाँ पे dx। ओके, और सबसे अच्छी बात ये है कि भैया cos 2x कैंसल, तो अभी सिर्फ कौन बचा बोलो? I इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट था, क्यों सर? अरे ऊपर साइन है नीचे कॉस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। सर साइन अपॉन कॉस को टेन भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना साइन अपॉन कॉस को टेन? अरे मालूम होगा ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। हाँ बोल, लिखो ना सर, कौन रोकता आपको? अरे नहीं लिख सकते बाबा, क्यों नहीं लिख सकते? यस, क्योंकि एंगल अलग है, ऊपर साइन के बाजू में नीचे कॉस के बाजू में है, तो ऐसा हम लोग टेन तो लिख दिए होते, खत्म हो गया था कहानी। अगर वही होता तो लिख के खत्म कर दिए होते हमने, नहीं कर सकते सर, एंगल अलग अलग है। ठीक है, एनी हाउ यहाँ तक आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब यार मैं अभी थोड़ी देर पहले फिजिक्स पढ़ाते टाइम पे भी इसका फॉर्मूला बताया मैंने, क्या फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू बोलो माइनस कॉस के एक्स अपॉन के प्लस सी। ये फॉर्मूला इधर लगाओ, याद रखना यहाँ 2x है, के एक्स है। चलो सोचो जल्दी जल्दी और बताओ, क्या सोचना भी क्या यार, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। आई इक्वल टू पहले बाहर 2 आएगा, हाँ बोलो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस। एक और अच्छी बात है, कोई बताएगा क्या? 2 क्या करूँ? अरे ये नहीं, ये वाला 2, हाँ वो वाला कैंसिल मत करते बैठना। ठीक है, I इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस कॉस 2x प्लस सी, खत्म। तो क्या किए इस समय हमने? हमने ये फॉर्मूले का यूज किया। मैं फॉर्मूला पढ़ना जोर जोर से, तो हमारे पास है ना एक फॉर्मूला एवरेन जो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। क्या है सर वो फॉर्मूला? 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, याद है, कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 द होल। ये फॉर्मूला इधर काम में आएगा। क्वेश्चन फॉर्मूला, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉस 5x by 2 प्लस साइन 5x by 2 द होल स्क्वायर इंटू dx। और अब क्या होगा पता है एवरीवन? ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल, तो हमको मिलेगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x by 2 प्लस साइन 5x by 2 इंटू डी एक्स। अप्लाई इंटीग्रेशन टू इच टर्म, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस
by mx by 2 into dx plus integration of sine 5x by 2 into dx. अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन ऑफ दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है, कई बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं लिखूंगा, एवरीबॉडी हियर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स का फॉर्मूला होता है, बोलो, साइन के एक्स अपॉन के प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस। देख के बता दो, छे तो देख के भाई, लेकिन बताओ। ओके, बताते बताते याद हो जाएगा वो। चलो बोलो, आई इक्वल टू, याद रखना यहाँ पे ये जो है ना, ये 5 अपॉन 2 ये आपका k है, यहाँ पे ये जो है ना ये आपका k है। चलो अभी तो कम से कम बताओ, बताओ जल्दी से क्या आएगा, बोलो। अरे बोलो, आई इक्वल टू क्या आएगा, साइन, बोलो, 5 अपॉन 2 एक्स, नीचे फिर से 5 बाई 2 प्लस माइनस कॉस 5 एक्स अपॉन 2, नीचे 5 बाई 2 प्लस सी। सही है, ओके, एवरीवन हियर। अब प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हम छे तो 5 बाई 2 को कॉमन ले सकते, और कॉमन लेके ऊपर भी लेके जा सकते, यानी ये कैसा हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 बाई 5। सर 2 बाई 5 कैसे हो गया सर, 5, अरे ऊपर आ गया ना भाई, ऊपर आ गया तो उल्टा हो गया वो। यहाँ पे बचेगा साइन 5x बाई 2 माइनस यहाँ पे बचेगा कॉस 5x बाई 2, सही है, प्लस, सही है, एज सिंपल एज दैट, हो गया। तो क्या किया भाई, देखो भाई, पहले तो ये फॉर्मूला इधर इधर, ये पहले तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ तक पहुँच गए, रूट आउट कर कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म, यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ जैसे पूछे भैया वो दो फॉर्मूले, अप्लाई करो फॉर्मूला, यहाँ तक पहुँच, अब क्या कॉमन निकालो, खत्म कहानी। बशीरा चलो सुनो भाई, ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सुनो, हम लोग मतलब यूज कर चुके एक क्वेश्चन, हमारे पास है ना कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला इधर काम करेगा। देखो हम लोग कई बार एवरेन ये बात सुन चुके हैं कि जब इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं या कोई चीज़ और अप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं, कन्वर्टिंग द सम इनटू द फ्रेम ऑफ द फॉर्मूला। अब इसका तो कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है तो हमने उसको थोड़ा चेंज किया, अब देखते हैं इससे कुछ हो सकता है क्या। वैसे ये बात भी याद रखना एवरीवन, कभी कभी ना ऐसा ही क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स के बदले आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है ट्रिक इंटीग्रेशन में, तो उसमें क्या लगेगा सर, ये लगेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, दोनों काम के फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। वैसे ये काम के फॉर्मूला पहले भी हम लोग देख चुके, ठीक है। चलो भाई आगे की कहानी ये है कि भाई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x नीचे 2 इंटू डी, ठीक है। अब नीचे से 2 को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन 2 बाहर, अप्लाई इंटीग्रेशन टू ईच टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू डी। अब हमारे पास इसका भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है, इनफैक्ट इसका तो अभी अभी यूज किए, और इसका तो मालूम है x है, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले बंद कर देते हैं कहानी है। सुनो दोनों के फॉर्मूले अपने पास है, यूज कर चुके हमने पहले भी, तो सुनो i इक्वल टू बाहर हाफ रहेगा जैसा है वैसी, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होगा x, इतना तो मालूम ही होगा पहला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अभी अभी यूज किए थे, cos के x क्या आया था, sin अपॉन 2 प्लस, ठीक है। अभी सुनो भाई कॉमन सेंस वाली बात, हम चाहे तो हाफ अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम चाहे तो ये वाले 2 को बाहर निकाल भी सकते हैं, अपनी मर्जी, लेकिन यहीं तक रोक दो काफी है, ठीक है। चलो वशिरा नहीं, नंबर 9 और 10 सेम है, देख लो पहले,
सम नंबर 9 और 10 सेम पैटर्न है। देखिए उसमें भी नीचे दो रूट है और बीच में प्लस माइनस की साइन है। ठीक है, अभी सुनो भाई, सुनो सब इधर सुनो, आपको बता रहा हूँ ऐसे सम हम लोग पहले कर चुके। क्या करते सर ऐसे सम में, आप एक चीज नोटिस करो, अचानक बीच में अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री, कोई ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा वाला समय है, बोलता इधर है अपना समय देखो। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एवरीवन एनीबॉडी, या इसमें करेंगे हम, अभी तो बोलो क्या, कॉन्जुगेट। ओके, और कॉन्जुगेट में करते क्या सर, जो भी यहां दिख रहा है इसका अपोजिट करते हैं। एग्जैक्टली, तो हम लोग क्या करेंगे पता है एवरीवन, देखो भाई हमारा अगला स्टेप ये होगा, आई इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, 1/√x − √x + 3 है, इसका ऑपोजिट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद आएगा देख के, अगर आपने सम सॉल्व किया है, घर पे जाके होमवर्क वगैरह किया है तो आपको याद आएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, क्लियर, ऐसा चीज हम लोग पहले भी कर चुके। ठीक है, चलो अब देखो, डिनोमिनेटर में एक चीज नोटिस करो, ब्रैकेट के बीच में माइनस है, फिर वही ब्रैकेट के बीच में, तो यार ये तो फॉर्मूला हो गया, कौन सा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब ये फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पढ़े रहो क्या फॉर्मूला इसका, बैठो पढ़े रहो पहले, हाँ क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया स्कूल लाइफ का फॉर्मूला ये, स्कूल लाइफ का। ठीक है, आई इक्वल टू 2, ऊपर क्या आएगा, √x + √x + 3। बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए सम के लिए, तुम सोचोगे ऐसी दर 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 आ जाएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा ये सब, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। ठीक है, इधर ये देखो यहाँ तक पहुँच गया, बैठो मशीरा, सुनो भाई, तो यहाँ रूट है स्क्वायर है, यहाँ पे भी रूट और, बट ऑब्वियसली ये दोनों हट जाएगा है ना, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल, ये देखो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। ठीक है भाई, अगला स्टेप, अगला स्टेप हमारा होगा, सुनो इधर, आई इक्वल टू बाहर है 2, इंटीग्रेशन ऑफ √x + √x + 3 नीचे हट गया ना रूट और स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस, यहाँ पे क्या बचा, x + 3 इंटू एक्स, जैसे ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना, एक्स और एक्स भी क्या हो गया, कैंसिल। ओके, यानी क्या बचा, आई इक्वल टू बाहर 2, इंटीग्रेशन √x को ऐसा लिख सकते हैं, x^2 1/2 प्लस x + 3^2 1/2 नीचे −3 इंटू dx, क्या ये बात सही है ना, −3 इंटू dx, सोचते रहो। ओके, मैथमेटिक्स इज अ गेम, गेम है भाई, ये गेम है। ओके, उसको भी बाहर ले लो, 3 को भी बाहर ले लो, तो i = क्या हो गया, −2/3 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ x^1/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x + 3^2 1/2 इंटू इट क्लोज। चलो फाइनल कहानी, आगे ही कहानी। ओके, x^2 कौन सा फॉर्मूला, x^n वाला फॉर्मूला। ओके, और x^n वाला फॉर्मूला क्या कहता है, x^n + 1/2। चलो भाई, तो i = −2/3 ब्रैकेट, बोलो क्या होगा, x^1/2 + 1 फटफट 3/2 नीचे भी 3/2 प्लस, फिर से वही x + 3^2 बोलो 3/2 नीचे भी 3/2 प्लस, है ना, अब हम चाहे तो 3/2 को और उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3, यानी अगला स्टेप, जगह तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगला स्टेप कुछ ऐसा आएगा, i = 2/3 × 2/3 = 4/9 सही ना, 2/3 × 2/3 = 4/9। ओके, अंदर क्या बचेगा, x^3/2 प्लस
x plus 3 raised to a by 2 plus ये कहाँ ठीक है। यस शिरा